देखिए सबसे अच्छी व्यवस्था है और राम राज्य की, और ये बात हमारे बात कही थी राम राज्य होना चाहिए, सबसे अच्छी व्यवस्था जिसमें सबको अवसर, सबको समानता, भाईचारा, प्रेम सौहार्द के साथ रहने का अधिकार, वही हम सबके लक्ष्य है कि राम राज्य की स्थापना हो। इस दशहरे के पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। यह पर्व असत्य पर सत्य की जीत के रूप में, अंधकार पर प्रकाश की जीत के रूप में, और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम सब मनाते हैं। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मायके, इसलिए हम सब अपने भांजे को राम के रूप में पूजते हैं, राम करते हैं, अपने भांजे में भगवान राम को देखते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ से जो नाता है वो ढांचा राम के रूप में है, और इसी रूप में हम लोग उसे स्मरण करते हैं, याद करते हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वनगमन परिपथ पर्यटन का विकास करने का निर्णय लिया है, जिसमें चंदपुरी में बहुत ही सुंदर उस मंदिर परिसर को सजाया गया, संवारा गया है, और 3 दिन तक के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मैं पुनः प्रदेशवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सर दुखद घटना हुआ है सर पथलगांव में, सर पहले तो घटना को आप किस तरह से देखते हैं? काफी दुखद घटना है, बेहद दर्दनाक घटना है, और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन सरकार की ओर से जहां अपराधियों को पकड़ लिया गया है, दूसरा जो वहां तैनात ASI है उसे सस्पेंड कर दिया गया है, SP कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक वहां पहुंच गए हैं, वहां लोगों से बात कर रहे हैं।